इंसान क्या है, कैसे वह पृथ्वी पर आया, उसका इतिहास क्या है, और अब तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि हम पहले बंदर थे, ये कितने हद तक सही है और ये क्या सही है भी या नहीं। सो रेडी हो जाओ अपने आप को जानने के लिए। साइंस ने ह्यूमंस को समझने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए जिसके कई सफल परिणाम भी सामने आए। साइंस के अनुसार मनुष्य का इतिहास समुद्र से जुड़ा है। सबसे पहले पानी में रहने वाले जीवों ने जन्म लिया, जैसे मछली, छोटे छोटे कीटाणु एक्सेट्रा, और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पानी में और जमीन में दोनों में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, जैसे मेंढक और केकड़ा और एक्सेट्रा। धीरे धीरे समय बीत रहा था, प्रकृति अपना काम कर रही थी, कभी बाढ़ तो कभी सूखा, और कभी जीवों का जन्म तो कभी जीवों की मृत्यु। और उसी दौरान कई नई प्रजातियां भी विकसित हुई और कईयों का नामो निशान खत्म हो गया, और ये सब ऐसे ही चलता रहा। तब डायनासोर, बंदर, चिंपैंजी, इस प्रकार के जीव आए और फाइनली दो पैर वाले मनुष्य का विकास हुआ। साइंटिस्ट का कहना है बंदर ही मानव जाति के पूर्वज हैं। सोचने समझने की शक्ति से धीरे धीरे बंदर जैसा प्राणी दो पैरों का इस्तेमाल करने लगा और पेड़ पौधों से फल सब्जियां तोड़कर खाने लगा। धीरे धीरे बंदर की बुद्धि का विकास होने लगा और ये एक मनुष्य का रूप लेने में सफल होने लगा, और चार पैरों का यूज करने के बजाय दो पैरों से ही चलने फिरने लगा और मानव शरीर के सभी अंगों का प्रयोग करने लगा। और रही बात पूंछ की, तो पूंछ किसी इस्तेमाल में न आने की वजह से खत्म हो गई, पर अभी भी ह्यूमन बॉडी की रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर उसके अवशेष अब भी पाए जाते हैं। इस तरह से मानव समाज का विकास होता गया और मानव एक इंटेलिजेंट जीव बन गया है जिसने अपना जीवन आसान करने के लिए अपनी शैतानी बुद्धि का उपयोग करके नेचर द्वारा दिए गए उपहारों से छेड़छाड़ करने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन ब्रो, हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव बंदरों का विकसित रूप नहीं है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बंदर और मानव में काफी भिन्नता है। इतिहास की तुलना में आज के इंसान के ढांचे में थोड़े बहुत बदलाव जरूर आए हैं, जैसे लंबाई, एज, रंग रूप एक्सेट्रा। लेकिन मानव जैसा प्राचीन काल में दिखता था वैसा ही आज भी दिखता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर और जीवों की प्रजातियां मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार मानव जाति की भी कई प्रजातियां हैं जो आज भी एग्जिस्ट करती है। धर्म के अनुसार मानव की रचना भगवान द्वारा की गई है। इस संसार में जो इंसान सबसे पहले आया था उसी ने मानव जाति को जन्म दिया। बट अब एक सवाल है जो सबके दिमाग में आएगा कि आखिर वह पहला इंसान था कौन, है ना? बट ब्रो, इस पहेली को भी हिंदू धर्म के अनुसार सुलझाया जा चुका है। हिंदू धर्म के मुताबिक संसार में सबसे पहले जीवन लेने वाला महान शख्स मनु था, जिसके बेस पर ही इस जाति का नाम मानव जाति पड़ा था। लेकिन एक सवाल और है जो सबको परेशान करेगा कि ये मनु था कौन। तो एक पौराणिक कहानी के अनुसार मनु की रचना खुद ब्रह्मा जी ने की थी। इस कहानी में बताया गया है कि मानव संसार के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने दो लोगों को बनाया था, एक मेल और एक फीमेल। भगवान ब्रह्मा ने जिन दो आत्माओं को संसार की रचना के लिए बनाया था उसमें जो नर था उसका नाम मनु और नारी शत्रुपा थी। ब्रह्मा जी के इन प्रयासों से कहा जा सकता है कि ब्रह्मा जी ही इस संसार के पालनहार हैं और पूरे मानव जाति के पूर्वज हैं। मनु शब्द के ही पर्यायवाची शब्द संस्कृत भाषा का मनुष्य और इंग्लिश लैंग्वेज में मैन है। मनु का उल्लेख ईसाई धर्म की बाइबल में भी है। बाइबल के अकॉर्डिंग मानव संसार की रचना भी भगवान द्वारा की गई है। बाइबल में बताया गया है कि ईश्वर के शरीर से एक परछाई ने जन्म लिया था और उस परछाई को एडम नाम दिया गया। इन दोनों धर्मों की थ्योरी से इस नतीजे पर पहुंचने में आसानी होती है कि मानव संसार की रचयिता ही मनु है। इट मींस भगवान ने ही मानव जाति की रचना की है। तो साइंस के अकॉर्डिंग तो ह्यूमंस को भगवान ने नहीं बनाया, और स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग
ह्यूमंस के बारे में साइंस की सारी थ्योरीज गलत हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, ब्राइट साइंस की इस दुनिया में आप मैटर करते हैं? तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर जो भी हो, इट्स ट्रू दैट वी ऑल आर डैम लकी टू टुक बर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड एग्जैक्ट व्हेन आई अपलोड न्यू वीडियो। सी यू सून।